माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ क्वर्की बर्थडे मंथ सीरीज. आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है. आई नेवर न्यू कि मैं इसको अपने क्वर्की बर्थडे मंथ की लिस्ट में ऐड करूंगी, बट आई वॉन्टेड टू डू अ वॉट आई ईट इन अ डे बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं रोज जो खाती हूँ उसका भी मिक्स हो, प्लस मैं कुछ स्पेशल ट्राई करूँ ताकि मेरे मन को थोड़ा सुकून मिले. वट एवर आई एम मिसिंग, वट एवर आई रियली रियली लव. सो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्पेशल मील्स दिखाने वाली हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड बीच में जो मैं छुटपुट खाती रहती हूँ वो भी दिखा दूंगी. नॉट गोना लाइक, आई हैव बीन हैविंग कॉन्स्टेंट माइग्रेन्स एंड वट एवर आई हैड इन माइंड वो मैं नहीं इतनी जल्दी फिल्म कर पाई, एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइस फॉरगिव मी, बट आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू दिस वीडियो एंड जो भी मैं बनाऊंगी आई होप आपको पसंद आए. आई होप वो रेसिपी ट्राई करो एंड इफ यू ट्राई इट प्लीज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. सो इट इज 7:59 राइट नाउ एंड इसी टाइम हम 8:30 बजे के अराउंड ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. एंड आज के ब्रेकफास्ट में है समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग दैट यू गाइस हैव बीन आस्किंग फ्रॉम मी एंड माई मॉम फॉर सो लॉन्ग, विच इज अ क्रिस्पी चाइनीज रोल. दिस इज नॉट अ टिपिकल चाइनीज रोल, दिस इज इंडियन या दिल्ली का चाइनीज जो होता है ना, वैसे टाइप का रोल जो हम घर में बनाते हैं, बट इट्स सो डिलिशियस. उसकी आउटर कवरिंग काफी क्रिस्पी होती है, अंदर से उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं एंड सो नाश्ते में बहुत मजा आता है. यू कैन ऑल्सो हैव इट फॉर डिनर्स या फिर वेन यू हैव गेस्ट अराउंड. सो आई एम गोना गो इनटू द किचन, आई एम गोना हेल्प माई मॉम एंड शो यू गाइज द रेसिपी फॉर माई ब्रेकफास्ट. लंच में हम कुछ इंडियन रखने वाले हैं एंड आई फील लाइक डिनर इज द मोस्ट स्पेशल थिंग बिकॉज उसमें मैं भी कुछ कुक करने वाली हूँ एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव बीन क्रेविंग फॉर सो लॉन्ग. आई विल अनवील इट ड्यूरिंग द वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज नाश्ते में चाइनीज रोल बन रहे हैं. चाइनीज रोल बन रहे हैं एंड यू गाइस कैन सी मम्मी ने सारी प्रेप करके रखी हुई है. दिस इज गाजर लंबी लंबी काटी हुई, शिमला मिर्च, देन वी हैव प्याज, अदरक एंड दिस बंद गोभी. अब चाइनीज रोल के लिए पहले हम उसमें स्टफिंग बना लेंगे. चाइनीज सब्जी एक तरह की होती है, वो बना लेंगे, फिर उसके बाद हम रोल बनाएंगे. इसमें ज्यादा तेल नहीं लगता, चाइनीज के लिए बहुत ही कम तेल की जरूरत होती है. अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं पहले अदरक डाल दूंगी. अदरक को थोड़ा सा भून लेंगे. अदरक भूनने के बाद हम अपने प्याज डाल देंगे. अब ये जैसे प्याज अच्छे से लाल हो गए हैं, कलर आ गया इनमें, ये अच्छे से भुने गए हैं. अब हम इसमें अपनी बंद गोभी काटी हुई डालेंगे. ये 2-3 मिनट भून के फिर इसके बाद हम इसमें अपनी गाजर डाल लेंगे. गाजर मैंने काफी पतली पतली काटी है और बंद गोभी भी पतली काटी थी. अगर आपसे मोटी काटी जाए तो थोड़ा इसको ढक के पका लेना. अभी स्टेज पे इसमें नमक डाल देंगे. नमक थोड़ा अभी कम डालेंगे क्योंकि हमारी सोया सॉस में भी नमक होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थोड़ा नमक डाल के इसको पका लेंगे. अब ये 2 मिनट हो गए हैं, इसमें से बिल्कुल पानी वानी सब सूख गया है और ये भून गई है, तो इसमें हम अपनी शिमला मिर्च डाल लेंगे. शिमला मिर्च तो क्रंची भी अच्छी लगती है. थोड़ा सा इसको एक मिनट करने के बाद हम अपनी सॉसेज इसमें डाल लेंगे. तो सोया सॉस स्टार्टिंग में थोड़ी कम ही डालनी चाहिए क्योंकि इसका कलर फिर बहुत डार्क आ जाता है. अभी थोड़ा हम इतनी आधी चम्मच लेके संभल संभल के फिर देख लो कि कैसा कलर आता है, कैसा चाहिए आपको. अगर ज़्यादा डार्क चाहिए तो थोड़ा और डाल लो, पर मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं मुझे अच्छा लगता. सोया सॉस के बाद हम आधा चम्मच इसमें सिरका डालेंगे. ये थोड़ा कम लग रहा है, हल्का सा और डाल लेते. ये है चिली सॉस, ये अकॉर्डिंग टू जैसे चिली खानी है किसी ने, ये 1 बड़े चम्मच के बराबर मैंने डाल ली है. और बाकी अगर हमें और मिर्ची चाहिए होगी तो काली मिर्च डालेंगे. अब इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं अगर कोई खाता तो. अब ये रेडी है. इसमें अगर थोड़ा सा आपको टोमेटो केचप का भी टेस्ट चाहिए तो हल्का सा आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं क्योंकि रोल में थोड़ा टोमेटो केचप अच्छा लगता है डालने हुए. और जूसी. और एंड में हम अपना सबसे एंड में पनीर डाल के थोड़ा हिला लेंगे. इन ट्रू सेंस ये देसी चाइनीज रोल है. अब इसको हल्के हाथों से हमें हिलाना है क्योंकि पनीर टूट सकता है. तो हमारी सब्जी तो ऑलमोस्ट रेडी है. पेपर नहीं डाला. हाँ, ब्लैक पेपर डालेंगे. अब जो हमारी चाइनीज सब्जी या स्टफिंग है वो एकदम रेडी हो गई है एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन कितना अच्छा स्मेल कर रहा है. तवे की गैस हम ऑन कर लेते हैं. अब तक तवा गर्म होगा, हम अपने रोल बेल लेंगे. तो इस रोल में ना एक्चुअली क्या होता है कि जो रोल की रोटी होती है काफी पतली होनी चाहिए. तभी मजा आता है बीच में चाइनीज थोड़ा सा क्रिस्पी होती है और अंदर सब्जी की. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 2 छोटी छोटी लोइयां, काफी छोटी ताकि पतली बने. और इसमें मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल लेके इसको लगा लेती हूँ. इनमें लगाने के बाद इसको हम आटे में ऐसे, ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इनको इकट्ठा ऐसे जोड़ के बेलेंगे तो जब बेलने के बाद तवे में ये
चिपकेंगी नहीं, इनको अलग कर सकते हैं, वो मैं अभी करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। बाय द वे गाइस, हमारा काउंटर साफ रहता है, सो नो वरीज। और ये चकले में मैं इसलिए नहीं बेल रही क्योंकि इनको काफी बड़ा हमें बेलना होता है कि अच्छे से उसमें चाइनीज सब्जी आ जाए। तो मम्मी ने रोटी बेल ली है एंड आपको ये एक रोटी लगेगी, बट जैसे हमने दो लोई को जोड़ा था ना, जब ये कुक होगी तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगी एंड दैट इज प्रीटी मैजिकल। मुझे ऐसा लगता है कि कभी नहीं होगी। पतली है ये देखो, या दिस इज सो स्किनी। अब ये तवा गरम हो गया तो इसमें हम अपनी रोटी डाल देंगे। इसमें हम अपनी गैस थोड़ी स्लो ही रखेंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहते कि रोटी जल जाए। नीचे से हल्की सी पकेगी तो हम इसको परता देंगे। यहाँ मेरा दूध उबल रहा है फॉर कॉफी। जैसे ही थोड़े से इसमें बबल्स आए हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। अब इसमें जहां जहां से थोड़ा सा अलग हो रही है उसको धीरे धीरे लेके हम ऐसे धीरे धीरे पूरी रोटी को अलग कर लेंगे। दो चपाती अलग हो गई। अब इनकी एक साइड पकी हुई है और अंदर वाली हल्की हल्की पकी हुई है। तो अब इसमें हम अपने सब्जी अच्छे से डाल लेंगे। तो ऐसे रोल करके एंड में थोड़ा पानी लगा लीजिए। इसको तवे में हल्का सा ऑयल ब्रश करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसको बड़े आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे और जहाँ आपको लग रहा है हल्का सा कच्चा है वहाँ थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसको पका लेंगे। ऐसे टेढ़ा करके साइड से भी पका सकते हैं ना। वैसे तो पका ही होता, पर कहीं थोड़ा थोड़ा अगर बाई चांस लग रहा है तो कर लो। इट्स कॉफी टाइम। ये मुझे शान ने मिस्ट्री बॉक्स में दी थी, डेविड ऑफ रिच अरोमा। मैं ये आजकल ट्राई कर रही हूँ। बस अब हम इसको केयरफुली कट कर लेंगे। टेढ़ा टेढ़ा एंड ये अंदर से कुछ ऐसा लगेगा। ओके, आई एम बैक। इट्स 9:09 एंड फाइनली द चाइनीज रोल इज डन। By the way, it's 9 a.m. in the morning and I'm already annoyed क्योंकि मेरे स्टूडियो के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। I don't know सुबह के 9 बजे कौन ऐसे कील ठोकता है। Just listen. I think they're done. Okay. So this is what my Chinese roll looks like and I'm gonna do a taste test for you guys. I've had it a million number of times, but this is what the stuffing inside looks like. Very tasty. मैं अलग से सॉस भी लेती हूँ because I like it juicy. Let's go. So yummy. You guys can see यहाँ पे पनीर भी दिख रहा है. I mean, I don't need to brag about my mom and I don't want to, but this is her best. मैंने बहुत बार खाया हुआ ये, but आज extra tasty लग रहा है. I think आज pepper is in the right quantity and it's so yummy. Now this is the lunch time. मुझे बीच में छोटा सा migraine हो गया था, but now I'm feeling fine. I did a lot of eye exercises. And lunch में हम क्या बनाने वाले हैं मम्मी? आज तो बहुत simple राजमा चावल। So हम lunch में ज़्यादातर simple चीज़ें क्योंकि गर्मी आए तो चावल वाली खा लेते हैं. And राजमा चावल is our family favorite. रवि को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है. Everyone loves राजमा चावल and ये हमारे घर की simple recipe है. अभी हम देख लेते हैं कि हमारे राजमा गले हैं कि नहीं. So ये मम्मी ने पहले ही रख दिए थे. हाँ, इसमें मैंने खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी, मोटी इलायची और लौंग. अभी हम देखेंगे राजमा. हाँ, ये अच्छे से गल गए हैं राजमा. ये खड़े मसाले निकाल देंगे क्योंकि इनका सारा फ्लेवर तो इसमें आ ही गया है. सो यहाँ पे हमारी तड़के के लिए सब्जियां कट रही है. वी हैव 3 टमेटोज, 2 इंच जिंजर के टुकड़े हैं, 5 गार्लिक पीसेस एंड हरी मिर्च, साथ में प्याज. सो अभी हम ये तवे को गर्म कर रहे हैं एंड वी विल पुट आवर कसूरी मेथी इन दिस. तेल गरम हो गया. अब इसमें मैं साबुत लाल मिर्चे, हींग और जीरा डाल के इसको भून लूंगी. इसके बाद हम अपना पिसा हुआ मसाला इसमें डाल के इसको भून लेंगे. अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल के इसको ढक के पका लेंगे.
While the तड़का वगैरह thing is cooking and राजमा जब तक बनता है I have this cucumber and वो मैं salad के लिए काटने वाली हूँ. I only have खीरा but my mom is going to get tomato and I'm gonna prepare the salad which is basically just cutting vegetables, that's it. अब ये मसाला कुक हो गया और तेल भी छोड़ दिया इसने, तो अब हम इसमें अपने मसाले डाल लेंगे, जैसे कि देगी मिर्च. राजमा जैसे रेड कलर के होते हैं और ज़्यादा रेड कलर देने के लिए, तो इसमें हम देगी मिर्च डालेंगे. वैसे मैं देगी मिर्च डालती हूँ, कई लोग प्रेफर करते हैं कि कुटी हुई मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है तो कई वो डालते हैं. एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अपना गर्म मसाला भी एक चम्मच डाल देंगे. इसके बाद इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे. मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसमें हम अपनी कसूरी मेथी डाल के 2 मिनट और चला लेंगे. अब हम इसमें राजमा डाल के, अब ये बॉयल आ गया है और हमारे राजमा रेडी हैं. अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करके, इससे इसका खुशबू सारे राजमा में फैल जाएगी और अपना गैस ऑफ कर देंगे. चावल इज रेडी और सैलेड तो आदिति ने काट ही दिया. Alright guys, so I am back and I have my कटोरी, फुल कटोरी ऑफ राजमा, चावल, अ लिटिल बिट ऑफ दही. बिकॉज शुरू से मेरी मम्मी ने सिखाया कि ऐसी चीज़ों के साथ ना दही आप ले सकते हो एंड वो आपको एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल रखती है. एंड आई ऑल्सो हैव लिटिल बिट ऑफ सैलड विच इज़ बेसिकली खीरा, बिकॉज आई लव खीरा ओनली फॉर सैलड, आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स. मे बी जब सर्दियाँ होती है तो मैं गाजर वगैरह खा लेती हूँ. I would really love if you guys could tell me कि आप लोगों को ऐसी what I ate in a day या फिर food वाली videos कैसी लगती है. I know मैंने अपनी food videos की journey quirky eat से start की थी and you guys really loved it, but क्योंकि अभी भी COVID का साया हमारे ऊपर है, I'm trying not to do market videos, I'm trying not to travel, I'm trying कि मैं ज़्यादा बाहर भीड़ वाली जगह पर ना जाऊँ and ऐसी videos ना बनाऊँ. So मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि घर पर मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखा सकूँ. एंड पिछले साल से जैसे मैंने कुकिंग वीडियोज़ बीच में इंक्लूड करनी शुरू की, आई really feel proud of them and इस साल मेरी एक और तरक्की हुई है कि मैं खुद भी चीज़ें बनाने लगी हूँ एंड मुझे genuinely कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगा है, विच इज़ अमेजिंग. अमेजिंग राजमा चावल. मेरी मम्मी प्रॉपर पूरे पंजाबी स्टाइल के राजमा चावल बनाती है, बट वो कहती है कि उसमें तड़का और ज़्यादा लगता है एंड उनकी रेसिपी सिंपल है, बट आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है. सो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज इज़ टू टेल मी इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, आपको ऐसे टाइप की रेसिपीज़ या फिर व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियोस कैसी लगती हैं. आई वुड रियली लव सम फीडबैक. एंड यू डोंट लाइक द वे आई शूट स्टफ, इफ यू वांटेड टू बी मोर प्रोफेशनल, इफ यू वांटेड टू बी मोर चिल, इट इज़ वेलकम. सो प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसे चेंजेस चैनल पे अच्छे लगेंगे. Also guys, while I'm eating this, I would really like to know if there's anyone out here in the Quirky Squad community जिसको राजमा चावल नहीं पसंद, बिकॉज आई हैव नेवर मेट अ पर्सन जिसको राजमा चावल नहीं पसंद हो. द पीपल हु डोंट एक्चुअली लाइक इट स्टिल कैन ईट इट. इफ यू आर वन ऑफ देम, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई वुड रियली लव टू नो व्हाई, तो रीजन भी बताना. इट्स जस्ट द पंजाबी इन मी हु रियली वॉन्ट्स टू नो व्हाई यू हेट राजमा चावल. ऑल्सो आई एम प्लानिंग समथिंग रियली स्पेशल फॉर डिनर. आई नो आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा, बट इट्स गोना बी हिमाचली डिश. मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ हिमाचल जाना. अभी जुलाई चल रहा है, ज़्यादातर ही अच्छा वेदर नहीं होता है घूमने के लिए, मॉनसून टाइम होता है. बट इफ़ आई हैड अ चांस और कोविड ना होता, मैं पक्का एक छोटी सी वेकेशन हिमाचल में ले लेती, लाइक किसी सेक्लूडेड सी प्लेस में, एंड वहाँ जाके मैं सिड्डू ज़रूर खाती. इस साल की शुरुआत में जैन में मैं ईशान के साथ जिभी गई थी एंड वहाँ ट्री हाउस वालों ने हमारा इतना ध्यान रखा था. आई लव्ड 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 जो उन्होंने मुझे ट्रेडिशनल सिड्डू बना के दिया था, एंड आई थिंक इट वॉज अ मिक्स ऑफ वॉलनट एंड पॉपी सीड्स. और वो डाइजेस्ट हो जाता है हिमाचल के लोगों को क्योंकि वो इतना ज़्यादा अप डाउन करते हैं. एंड आई एम गोना ट्राई रेप्लीकेट दैट, try to make siddu for the first time because this is the birthday special what I eat. हेलो गाइस, सो इट्स द इवनिंग टाइम. मैंने आपको बताया था मैं हिमाचली सिड्डू बनाने वाली हूँ एंड उसके लिए हमें उसका जो आटा होता है वो काफ़ी देर पहले प्रिपेयर करके रखना होता है. तो अभी गर्मी है, मैं डिनर से 2 घंटे पहले यहाँ पे आ गई हूँ. आई एम गोना मेक द आटा फॉर माई सिड्डू. इसके लिए हमें 2 कटोरी आटा चाहिए, 250 ग्राम्स. So I have this active and dried yeast, 1 teaspoon yeast, 1/2 teaspoon नमक. हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है.
एंड इसमें मैं मिक्स करने के बाद थोड़ा सा घी भी डालूंगी. नाउ व्हेन एवरीथिंग इज मिक्स्ड आई नीड 1 कप ऑफ गुनगुना पानी. थोड़ा सा डाल के वी हैव टू मिक्स इट एंड गूंदने की कोशिश करनी है. सो माय आटा इज ऑल डन. इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करके ढक के रखेंगे. आई हैव सम मोर घी जिसको मैं ऊपर से ऐसे मल के इसमें रख दूंगी. नाउ व्हेन दिस इज डन इसको हमें ढक के 2 घंटे के लिए रख देना है. सो अभी 2.5 घंटे हो गए हैं एंड इट्स डिनर टाइम. इट्स फाइनली टाइम टू मेक सिडू. यहाँ मैं आटा चेक करने आई थी एंड बिल्कुल हमारा अच्छे से फूल गया आटा. दिस इज वॉट द आटा लुक्स लाइक. सो जो सिडू की स्टफिंग होने वाली है ना, मैंने देखा था 2 तरह की होती है हिमाचल में. जो मैंने जिबी में खाया था ना, उसमें खसखस थी और अखरोट थे. तो मैंने ये सुबह ही भिगो के रख लिए थे. एंड दिस इज वॉट खसखस एंड वॉलनट लुक लाइक. इसको पोस्त या पोस्तो भी बोलते हैं एंड पॉपी सीड्स भी बोलते हैं. सो इसका हम स्टफिंग बनाएंगे. सो आटा प्रिपेयर होने के बाद इसको आपको थोड़ा सा फिर से नीड कर लेना है एंड 4 लोई बना लेनी है. आई एम प्लानिंग टू मेक 4 सिडूस फॉर माय फैमिली. अब मैंने अखरोट छान लिए हैं और पीछे मैंने खसखस भी छान लिया है. अब इसको हम ग्राइंड करेंगे फॉर द स्टफिंग एंड टू ऐड सम एक्स्ट्रा टेक्सचर. इसमें मैं थोड़े प्याज भी डाल दूंगी. सो दिस इज वॉट द मिक्सचर द स्टफिंग लुक्स लाइक. इसमें अभी हम मसाले वगैरह भी काफी डालेंगे बट लुक्स अमेजिंग एंड वेरी ग्रिटी जैसी होनी चाहिए. तो इसमें मैं अभी 1/4 चम्मच नमक डालने वाली हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आई हैव 1/4 चम्मच कुटी हुई मिर्च एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स फॉर सम फ्रेशनेस. एंड नाउ वी विल मिक्स इट वेल. स्टफिंग से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. जब इसमें नमक भी नहीं डाला था मैंने, ऐसे ही थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था एंड इट वॉज सो गुड. एंड यू गाइस कैन सी दिस इज व्हाट द स्टफिंग लुक्स लाइक. आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज आई हैव बीन मिसिंग हिमाचल सो मच. तो यहाँ पे हम पानी गर्म करेंगे स्टीम बनाने के लिए. आई ऑल्सो हैव दिस छन्नी. इस पर हमें थोड़ा देसी घी भी लगाना होगा. अभी सिड्डू भी बनाना रहता है, सिर्फ अभी स्टफिंग तैयार है. सो अ लॉट टू डू. फॉर अ लॉट ऑफ यू हु डोंट नो, हिमाचल में सिड्डू इज लाइक अ वेरी फेमस डिश एंड स्पेशली ये कुल्लू रीजन में बहुत ज्यादा पाई जाती है. उस टेस्ट को मैं बहुत क्रेव कर रही हूँ एंड आई जस्ट रियली वॉन्ट के जो लोग हिमाचल ना जा पाए वो इसको खा के एकदम हिमाचल की यादों में खो जाए. ओके सो दिस इज लोई नंबर 1 एंड इसमें मैं थोड़ा सूखा आटा लगा के हल्का सा बेलूंगी. इसको हमें मोटा ही रखना है, मोमो की तरह नहीं करना है. तो स्टीमर हमारा छोटा है, उसमें 2 ही बड़े बड़े सिड्डू आएंगे एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक. अभी इसके ऊपर भी घी लगाना है एंड लेट्स पुट द छन्नी क्योंकि पानी भी बॉयल होने लगा है. सो 2 अभी स्टीम हो रहे हैं एंड ये 2 मैंने बना लिए हैं. दिस इज माई फाइनल टच एंड यू गाइस कैन सी ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. कंपेयर टू माई फर्स्ट सिडू आई थिंक मेरी स्किल्स थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है. ये ऐसे लग रहे हैं. इसमें हम थोड़ा चाकू डाल के देख सकते हैं कि ठीक से अंदर से कुक हुए या नहीं. मम्मी इज गोना हेल्प मी. चाकू में तो कुछ नहीं लगा. तो चाकू में अगर कुछ नहीं लगा मतलब ये प्रॉपरली कुक हो गए हैं. ये मम्मी मेरा सिडू सक्सेस. तो जैसा कि मैंने मनाली और कुल्लू में देखा था कि सिडू को घी और चटनी के साथ खाते हैं. सो दिस इज आवर घी जो हम थोड़ा कम ही खाएंगे, इतना ज्यादा भी नहीं लेंगे. देन हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे. एक टमाटर की चटनी भी लोग बनाते हैं बट वी आर एग्जॉस्टेड सो वी आर जस्ट गोना हैव ग्रीन चटनी. ओह माय गॉड ये जाली जाली बनती है ना. ये जाली जाली बन गई है मतलब ये अच्छे से कुक हो गया. द स्टफिंग इज सो गुड. लाइक किसी सब्जी के साथ मिक्स्ड होता कितना मजा आता. मेरी एकदम ऐसे फ्लैशबैक्स और मेमोरीज आ रही है.
ओ गॉड आई मिस हिमाचल. अभी एक मील बाकी है जो कि मैं आजकल काफी ज्यादा खा रही हूँ, विच इज नॉट अ गुड हैबिट, बट आई टेल यू गाइज सून. सो आई एम गोना गो बैक टू दिस, फिनिश इट, एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा सा और लेट नाइट. हेलो गाइज, सो इट्स द राइट टाइम एंड वी हैव ईशान हियर हु इज ट्राइंग टू टेस्ट माई हैंडमेड सिडू. दिख भी नहीं रहा है. वो मैंने उसके शॉर्ट्स ले लिए थे. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइज, लुक एट दिस सिडू विद घी एंड चटनी. सिडू की शेप तो बढ़िया है यार, है ना. मैंने बनाई है और मैंने ये सारा ऐसे ऐसे किया है. ये बना क्या है, बेस क्या है? ये आटा, यीस्ट. हमने जो खाया था ऑन आर वे उसमें आलू था, और फिर जब वहां जाके खाया था उसमें यही ड्राई फ्रूट वगैरह थे, और उड़द की दाल भी थी शायद उसमें. उसका टेस्ट मुझे इसमें हल्का सा ना वो आ रहा है, बिटर. A little bitter taste, but वो yeast का है ना? Yeast का. Honestly, what would you rate it? Out of 10. 7. Wow, 7 is good for first try. पहली बार बनाया मैंने. The perfect thing is shape, moist, and filling. जिस हिसाब से करी, that's like the best. Shape, moist, filling. कोई focus नहीं हुआ. While he's eating. This is the last meal of my day. I'm doing a what I eat in a day. Perfect. So this is what kulfi. Kesar Kamal kulfi from Mother Dairy. And इसको मैं special mention देना चाहूँगी because आजकल मुझे बहुत migraines हो रहे हैं. And जब मुझे 2008 या 9 में पहली बार migraines हुए थे ना, this was a good stuff guys. Like इसको खाने के बाद मेरा brain ऐसे freeze हो जाता था कि मुझे दर्द से ना थोड़ा relief मिल जाता था. And off late मुझे 3-4 दिन से काफी migraines हो रहे हैं, और दिख रहा है. And this मेरे पापा ने मुझे याद दिलाया कि तू ये खाया करती थी, एंड ही गॉट इट फॉर मी इमरजेंसी में. कल मैंने खाई एंड इतना मुझे रिलीफ मिला. सो आई एम हैविंग दिस अगेन क्योंकि सुबह मुझे माइग्रेन हुआ था, एंड मेरा सिर अभी भी बैक और पीछे थोड़ा भारी भारी लग रहा है. हम एक बार सीपी गए थे, मैंने ऐसे आइसक्रीम खाई थी और मेरे लिप से चिपक गई थी. वो पर्पल वाली जो आइसक्रीम थी ऐसे ही रह गई थी, और आई वाज लाइक मुझे छुड़वाओ. इट वाज सच एन अगली साइट. So that is it for today's video guys. I really hope aap logo ko aaj ki video pasand aayi ho. If you're seeing my face for the very first time, please subscribe and niche di hui videos ke links check kar lena. You can also follow me on Instagram and I'll see you next time. Bye!